রক্তদান জীবনদান রক্তদান মহদান করোনা সংকটকালে জীবন মৃত্যুর সংগ্রাম মানুষ সভ্যতার সামনে মহামারীতে দুঃস্বপ্নে রাত কাটাচ্ছে বিশ্ব হাসপাতালে বাড়ছে ভিড় এখানে দুর্দিনে শহর জুড়ে মাথা চাড়া দিয়েছে রক্তের সংকট একদিকে রক্তের ব্যাপক চাহিদা বাড়ছে উত্তরোত্তর অন্যদিকে যোগানে ঘাটতি জোড়া ফলায় প্রাণস্বাগত রোগীর পরিবার পরিজনদের তাই শহরবাসীকে রক্তের এই পাহাড়মান দুর্দশায় থেকে বাঁচাতে এগিয়ে এলো 79 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস মূলত এই ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মোহাম্মদ আলমের উদ্যোগে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি আয়োজিত হয়েছিল স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরেরও যেখানে শতশত হবে রক্ত দিলেন বহু মানুষ পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা রক্তদাতাদের সংখ্যাও ছিল চোখে পড়ার মতো শহর জুড়ে রক্তের হাহাকার রক্তের অভাবে অনেক রোগীর প্রাণ বাঁচানোই দায় এমত পরিস্থিতিতে মোহাম্মদ আলমদের ইহানো উদ্যোগকে সাধুবাদ জানালেন সকলেই এদিন এই রক্তদান শিবির উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন পুরমাতা তথা বোরো চেয়ারম্যান দেবলীনা বিশ্বাস পুরপিতা দেবাশিস কুমার মেয়র ফিরাদ হাকিম সহ বহু বিশিষ্ট জনেরা এদিনের মঞ্চে বিজেপি থেকে বেশ কয়েকজন কর্মী সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করলেন ইনসান দূসরে ইনসান কে কাম মে আতা হ্যায় ব্লাড ডোনেশন মতলব হো গিয়া হাম ইনসান হ্যায় মে দূসরে ইনসান কা ফিক্র করতা হু ইসলিয়ে আপনা খুন দে কে উসে মদদ করনে কি কোশিশ করতা হু জান বচানে কি কোশিশ করতা হু और दूसरा एक मैसेज यहाँ से है जब आप ब्लड दे देते हैं तो कोई हिंदू का ब्लड मुसलमान के ब्लड नहीं होता है उसको पहचाना जाता है ग्रुप के हिसाब से ब्लड बैंक में आप जाइएगा ये नाम का वो नाम नहीं होता वो सिर्फ ग्रुप का होता है इसमें हो सकता है अमित शाह जी का कभी तबीयत खराब हो कोई मुसलमान के खून ब्लड बैंक होकर उनके बॉडी में चले गया उल्टा भी हो सकता है हमारे या इमाम साहब का तबीयत खराब हुआ और कोई हिंदू भाई के खून आ गया इसका मतलब ऊपर वाला ने इंसान बनाया है और इंसान के खून दूसरे इंसान के काम में आता है इस इंसानियत को बचा के रखना चाहिए हमें तो खूब ही भालो लगे आज के 79 वार्डे আলমবাইয়ের উদ্যোগে উনি ব্লক সভাপতি এই ওয়ার্ডের উনি আজকে এত মানুষকে নিয়ে আজকে অলরেডি 100 উপর মানুষ এখনো অবধি ব্লাড ডোনেট করে দিয়েছে আরো মানুষ আসছে তারা ব্লাড ডোনেট করতে খুব ভালো লাগছে এটা দেখতে যে মানুষের উপকারের পাশে আলমবাই রয়েছে এবং আজকে যারা এখানে ব্লাড ডোনেট করেছে তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তাদের এই রক্ততে কোনো না কোনো মানুষের জীবন বাঁচবে রোগীর জীবন বাঁচবে দেখি আজ মুহররম তারিখ इसलिए इस मुहर्रम के अवसर पे हमने ब्लड डोनेशन करवा के लोगों का कुछ मदद किया हेल्थ चेकअप करवाया हूँ सुबह से हेल्थ चेकअप चल रहा है और उसके बाद हेल्थ सेवा खत्म हुआ है तो फिर ब्लड डोनेशन ब्लड डोनेशन एक ऐसा डोनेशन है जिसका कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता जिस तरह से आज इंसानों को बांटा जा रहा है पूरे देश में हिंदू को मुसलमान से बांट रहे हैं मुसलमान को हिंदू से दूर कर रहे हैं तो ये हम ये दूरी दिखला रहा है कि एक हिंदू के शरीर में जो खून है वही खून एक मुसलमान के भी शरीर में है और ये खून अगर जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद उसका कोई जात नहीं होता है एक खून बन जाता है उसका खून हो जाता है ए या बी या ओ उनका कोई भी ग्रुप बन जाता है और वो जब ग्रुप बनने के बाद इंसान के शरीर में जो खून दिया जाता है वो हिंदू भाई का खून मुसलमान भाई के घर में शरीर में चल जाएगा जब हम लोग कुदरत में जो इंसान को बनाया है वो नहीं बांटा वो फर्क नहीं रखा जब वो कुदरत में जब इंसानों में कोई फर्क नहीं रखा तो आज हम लोग फर्क नहीं हो सकते हम लोग मिल्लत का एक संदेश देना चाहते हैं पूरे भारत में कि हम लोग गंगा जमुना की तहजीब को बचाए रखना हो इसीलिए अगर हमें सब कुर्बानियां भी देना पड़े तो हम लोग देंगे लेकिन गंगी जमुने की तहजीब को हम लोग इस देश से नहीं मिटने देंगे ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम है 100 का उससे भी अगर ज्यादा होता है तो हम लोग कंटिन्यू उसको करते जाएंगे ब्यूरो रिपोर्ट चैनल 10